हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? नवरात्रि कैसी बीती आप लोग की? और अभी हम लोग जा रहे हैं, ये मेरा बेबी है, मेरा बेटा, और इसका मुंडन करवाना था। टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मतलब कब करवाए, कब सही टाइम है, तो नवरात्रि में ही करवा रहे हैं। नवरात्रि ख़त्म होने वाली है तो हुआ कि मतलब मुंडन करवा लेते हैं, नहीं तो फिर टाइम निकल जाएगा। तो आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं कहाँ जा रहे हैं हम लोग और कैसे होगा इनका मुंडन। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं, ये वो जगह है मतलब कुंभ का मेला लगता है, यहाँ पर गंगा किनारे आए हुए हम लोग। यही पर मन्नत माना गया था यहाँ पे मुंडन कराने का, तो यहाँ पर आए हुए हैं। और देखिए मेरी बेटी कितना एंजॉय कर रही है, उसको कभी कभी निकलना होता है स्कूल फिर पढ़ाई, ये वो, तो निकलना नहीं हो पाता बाहर। तो जब भी बाहर जाती है उसे बहुत अच्छा लगता है। मेला जब रहता है तो बहुत भीड़ रहती है, मतलब पैर रखने की भी जगह नहीं रहती है। और अभी आप लोग देख सकते हैं कितना मतलब खाली खाली है। उस दिन बहुत धूप था, बहुत तेज। ये देखिए मुंडन शुरू हो गया, मतलब बाल हटाना, टकलू करना शुरू हो गए। और बिल्कुल थोड़ा सा रोया था स्टार्टिंग में, फिर बाद में इतना परेशान नहीं किया था, बहुत शांत होके बैठा हुआ था आराम से, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ? कब? रात में? नहीं वो, नहीं वो वहाँ काटा होगा जहाँ कल गया था। हाँ क्यूट लग रहा है, कटूर। देखिए अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं, वो भी इतनी ज़्यादा धूप थी, इतना गर्म, तो मतलब जो रेत है वो पैर में मतलब लग रहा था बहुत गर्म। ये हम लोग के लिए एकदम सरप्राइज था, जो कि मेरे जिया जी ने प्लान किया था। हम लोग नहीं आइडिया था, क्योंकि सिर्फ मुंडन के लिए आए थे। यहाँ आने के बाद पता चला कि मतलब वोटिंग भी करना है, और हम लोग मतलब मेरा तो फर्स्ट टाइम था, नाव में बैठ चुकी हूँ पर वोटिंग के लिए फर्स्ट टाइम था। बहुत बहुत इंजॉय किया सब लोगों ने, बहुत मज़ा आया। अभी देखिएगा आप लोग, डर तो नहीं लग रहा? नहीं नाव में बैठना बस बहुत ज़्यादा मतलब एकदम डर लगता रहता पूरे टाइम, मतलब इसमें तो आप जाइए नाव में तो बिल्कुल। देखिए
इतना खूबसूरत, इतना अच्छा नज़ारा था, चारों तरफ पानी पानी, और सबसे मेन यहाँ पर आके गर्म नहीं लग रहा था जरा भी, इतनी अच्छी और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। चलो उतरो अनवी, अब हम लोग घूम के वापस अपनी जगह आ गए और सब लोग अब उतरेंगे और यहीं रख के जाएंगे। बहुत एंजॉय किया, बहुत मजा आया, और यहीं तक हमारा सफर। अब इसके बाद आगे की यात्रा शुरू, कहाँ जाते हैं। देखिए थोड़ी बहुत दुकानें भी लगी थी क्योंकि मेला नहीं रहता है तो इतना चीज़ें नहीं रहती। जब कुंभ या महाकुंभ का मेला रहता है तो बहुत भीड़ रहती है, तो ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं, बहुत भीड़ रहती है। और हम लोग अभी उतरने के बाद इतना गर्म लग रहा था कि बस जल्दी से कार में बैठ जाए क्योंकि रेत बहुत ज़्यादा जल रही थी, पैर में लग रहा था, बहुत पता चल रहा था कि हाँ जल्दी से चले यहाँ से।
अभी एक और सरप्राइज़ बाकी है जो कि मुझे आइडिया नहीं था, और अब मुझे लगा हम लोग घर जा रहे हैं, फिर दूसरा ही रास्ता हो गया। ये देखिए, ये था सरप्राइज़ मेरे हस्बैंड की तरफ से, यम्मी यम्मी खाना, क्योंकि हम लोग सच में बहुत भूख लग गई थी और उनका तो पूरे 9 दिन का व्रत चल रहा था, बेचारे बैठे थे नहीं खाए और हम लोग इंजॉय कर रहे थे। खाना वाना खाने के बाद अब हम लोग घर जा रहे हैं, और देखिए कितना ट्रैफिक है, और बस इतना थक गए थे कि सो गए थे। और ये जो शाम का समय का है, हमारे घर के पास मेला लगा हुआ था, मंदिर था और मेला वगैरह लगा था, तो हम लोग बस वही शाम को घूमने गए थे। और आई दिखा अभी नेक्स्ट मॉर्निंग हो गया है, यानी कि नौमी के दिन का है, और हम सब लोगों ने पूजा वगैरह कर लिया है, भोग लग गया है माता रानी को, बस हम लोग प्रसाद खाएंगे।
और हवन हुआ। बस यही था आज का मेरा ब्लॉग, ये एक ब्लॉग खत्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।